सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का अगर हम डेटा देखेंगे तो 17 से और 22 के बीच में आपके यहां गिरावट हुई है। लोग हताश होकर के बैठ गए, नौजवान निराश होकर के बैठ गया, और इतनी नाउम्मीदी कभी नहीं थी जितनी नाउम्मीदी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आए। लोग नौकरियां और रोजगार की तरफ नहीं जा रहे, और अग्निवीर जैसी व्यवस्था हम समाजवादी लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते। अगर सीमा की सुरक्षा पर आपको नौजवान को भेजना है जिसे वर्दी पहन करके सम्मान की बात हो, उसे परमानेंट नौकरी चाहिए, पुरानी नौकरी व्यवस्था होनी चाहिए। ये अग्निवीर जैसी व्यवस्था के पक्ष में हम लोग नहीं हैं। सरकार जहां सपने दिखा रही है ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के लोगों का स्वागत कर रही है अध्यक्ष महोदय, वही एमएसएमईज का क्या दोष है जो सबसे ज्यादा नौकरी दे रहा है, सबसे ज्यादा रोजगार दे रहा है। इन्वेस्टमेंट मीट में आए, बड़ी खातिरदारी हुई कूपन को लेकर के, कूपन बांटे गए। जब इन्वेस्टर्स लंच के लिए कम पड़ गए तो कूपन फ्री बटे, जिसको टाई पहन करके, अच्छे कपड़े पहन करके और कूपन हासिल करके लंच कर ले, ये स्थिति थी। जो एमएसएमई है, जो एमएसएमई है उसके लिए क्या किया? ये बड़े उद्योगपति तो पहले भी आए थे, आखिरकार जो एमएसएमई के लिए होना चाहिए था सरकार ने क्या किया? और सरकार बता रही है कि न जाने कितनी कारखाने लग गए हैं, कितना फाइनेंस हो गया है, न उनको बैंक फाइनेंस दे रही है। और सरकार बताए कि अगर एमएसएमई बहुत लगी है इनकी सरकार में, तो आखिरकार बिजली का कनेक्शन कितना लिया है उन्होंने? केवल डेटा पे बता देना कि इन्होंने एमओयू कर लिया, ये सच्चाई से दूर होगा जब तक बिजली का कनेक्शन नहीं बताया जाएगा। एग्रीकल्चर सेक्टर के बिना आप इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे पाएंगे? एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या हाल है? हमारी नेशनल से भी नीचे बिलो जा रही है एग्रीकल्चर, और कम से कम जो फसलें पैदा हों उनकी एमएसपी तो सरकार दे। क्या सरकार ने एमएसपी दी है? और अभी जितने भी हमारे माननीय सदस्य होंगे वो जानते होंगे, आलू की फसल चौपट हो गई है, किसान को जो कीमत मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है।